हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ रजनी और मेरा चैनल है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, आपको पता ही है जॉब्स अड्डा IQ, जिसके ऊपर मैं आपको करवाती हूँ यहाँ पर मैथ, ठीक है, और करंट अफेयर। तो मैथ का टॉपिक है आज हमारा, मेंसुरेशन चल रहा था जिसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, आज ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, मेरा ये यूट्यूब का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, जो भी आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हो मोटिवेशनल कोट। मेंसुरेशन होगी ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो ये हमने उस दिन किया था, ट्रायंगल किया था, ट्रायंगल का फॉर्मूला। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जो है इस चैनल पर जाके, पीछे मेरी वीडियो डाली हुई है उसको आप देखिए, ट्रायंगल, स्क्वायर, इक्विलेटर, रॉम्बस, ये कर लिया था, ट्रेपिज्म, पॉलीगन, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वांट्रेट, और आज है 3D। ठीक है, आज मैं आपको करवाऊंगी 3D, उसमें डिटेल करवाई है मैंने। जैसे मेंसुरेशन दो टाइप से होते हैं, 2D और 3D। तो 2D का हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, और 3D का हम क्या करते हैं, इसका हम एरिया और वॉल्यूम दोनों निकालते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, कि कितनी चीज़ें आप उसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको उस दिन बताई थी। अभी हम कुछ फॉर्मूले ही करेंगे आज 3D के। देखिए, फर्स्ट क्यूब, क्यूब आपने देखा होगा इस तरीके से होता है क्यूब, ये आपका क्यूब होगा। ठीक है, ये इस तरीके से, जिसमें क्या होता है, जिसमें इसकी सारी साइडें जो है इक्वल होती है। ठीक है, सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, जिसको हम एग्ज या कैपेसिटी कितनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है A³, यानी इसमें एक ही साइड होती है ना ए, तो इस ए से ही फॉर्मूला चलेगा आपका। साइड हमने इसको ए मान लिया, तो A³ या साइड की 3 जो है इसका वॉल्यूम होगा। दो चीज़ के फॉर्मूले होते हैं, देखिए इसमें आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल होता है कि आपको जो पार्ट ना दिखे, जैसे इसमें होता है 4A² लेटरल सरफेस एरिया, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 4A², और टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है 6A². ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया 4A² और टोटल सरफेस एरिया 6A², और इसका वॉल्यूम होता है A³। और इसका अगर हमें डायगोनल निकालना हो, आपको मान लो ए दे रखा हो, बोले कि आप इसको डायगोनल निकालना है, तो ये होता है √3 × A, यानी √3A जो इसका क्या होता है, डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में जो है ना सारी चीज़ लेंथ जो है अलग अलग होगी। इसमें क्या होगा, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। होती तो उसमें भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, लेकिन वो सारी समान होती है। जैसे स्क्वायर के अंदर होता है ना, ऐसी तो बात नहीं है कि स्क्वायर के अंदर लेंथ और ब्रेथ नहीं होती, होती है, लेकिन उसमें सारी इक्वल होती है, तो इसको हम साइड डिनोट करते हैं। और रेक्टेंगल में अलग अलग होती है, तो हम इसको एल और बी से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से क्यूब में अंदर सारी साइडें क्या होती है, समान होती है, तो इसको हम ए डिनोट करते हैं या साइड डिनोट करते हैं, और इसमें हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिनोट करते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो हमने उसमें किया था, ए ए ए यानी A³। तो इसमें क्या होता है, इसमें तीनों साइड को मल्टीपल कर देंगे, एल इंटू बी इंटू एच यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यानी इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एल बी और एच यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका लेटरल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया 2 × L + B और एच, यानी दो बार एल को डिनोट करते हैं और बी को, और इसके साथ एच को हम काउंट करते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2, दो दो बार काउंट करेंगे ना एल बी, तो 2 को हम इकट्ठा ले लेते हैं, एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। जैसे उसमें होता है ना रिक्टेंगल में 2 × L + B, यानी दो दो बार एल और बी काउंट होते हैं, तो इसी तरीके से 2 LB, BH और HL सारी को दो दो बार प्लस करेंगे। ठीक है, और डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला होता है, √L2 + B2 + H2। देखिए ये बार बार आप पढ़ोगे तभी आपको रिवाइज होगा, ऐसे रिवाइज नहीं होने वाला, ये तो सिंपल ही है। इसको देख लो, लेटरल 2 × L + B × H। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ऊपर वाली छत हटा देते हैं और नीचे वाला फर्श हटा देते हैं, तो वो लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है।
ठीक है। अगर हमें जैसे कमरे का निकालना हो लेटरल सरफेस एरिया, तो उसका मतलब ऊपर वाली छत और नीचे वाला फर्श नहीं है, चार दीवारी है, ठीक है। तो चार दीवारी में एल दो बार आ जाएगी, बी भी आ जाएगी और इसके साथ साथ ऊंचाई भी आ जाएगी उसकी, एच भी आ जाएगी, और टोटल में सारा कुछ आ ही जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद है सिलेंडर। सिलेंडर का हम कैसे निकालते हैं, देखो सिलेंडर में आपको दिखा देती हूँ, सिलेंडर इस टाइप से होता है, ठीक। ये सिलेंडर है आपका, ठीक है, ये सिलेंडर होता है। इसमें इसमें क्या होता है, एक तो आर होती है और एक होती है एच, हाइट होती है, ठीक है। इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका टू पाई आर एच, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका टू पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर एच, और टोटल सरफेस हो गया टू पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, ये इसका फॉर्म। बाकी याद हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी ना, और बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आपको ये चीज़ें याद भी हो जाएगी, ठीक है। कोण, कोण किस टाइप में होता है, जैसे खिलौने वाले क्वेश्चन आते हैं कई बार, खिलौना इस टाइप में या टेंट लगा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। तो इसमें आर होती है, यानी L से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमें L निकालनी हो इसकी, तो जैसे हम इसमें से निकालते थे ना, इस तरीके से जो ट्रायंगल होता है उसका L, H और R, ये पता होगा आपको L, जैसे कर्ण हाइट और ये बेस निकालते थे ना, हाइपोथेसिस बेस और जो होता है कर्ण होता है इसका, ठीक है, वो उसी तरीके से L स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L क्या हो गया, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का होल अनरूट, यानी अनरूट, ये देखो यहाँ पे दे रखा है इसका, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम इसका क्या होता है, वन एक बटे तीन पाई आर एच। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। देखो एक बार याद कर लो, पूरी ज़िंदगी काम आने वाले हैं ये फॉर्मूले। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, और इसमें एल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आगे देखिए, स्फीयर, स्फीयर होता है गोला, बिल्कुल गोल, जैसे फुटबॉल होगी, ठीक है, फुटबॉल को हम स्फीयर डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी रेडियस होती है ये, और पूरा क्या होता है, डायगोनल्स होता है, उस दिन बताया था मैंने। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, क्योंकि इसमें आर ही होती है, बस आर के ऊपर बेस होता है सारा फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, फोर पाई आर स्क्वेयर, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फोर पाई आर स्क्वेयर। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो वॉल्यूम होता है ना, इसको हमेशा तीन गुना तीन पावर बनती है हमेशा, ठीक है। जैसे सिलेंडर का पाई आर स्क्वेयर एच, तो एक दो पावर इसकी आर की होगी और एक एच की होगी, तो तीन होगी ना। और एरिया में क्या होता है, एरिया में हमेशा दो ही पावर होती है, ठीक है। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वेयर, टोटल सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वेयर, यानी एक जैसा ही होता है ये, ठीक है। आगे देखिए, हेमिस्फीयर, वही जैसे हमने सर्कल का सर्कल किया था, इसी तरीके से हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका वही रेडियस आर होती है, वॉल्यूम जिसका फोर बाई थ्री था ना, इसका टू बाई थ्री हो जाएगा, टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, और कर्व्ड सरफेस एरिया टू पाई आर स्क्वेयर, और टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये होता है थ्री पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि इसमें ये चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे हमने सर्कल में किया था, जिसमें हमने टू आर प्लस किया था, ठीक है। तो आगे देखिए, ये है स्पेरिल सेल, ये इतना नहीं आता, कई बार क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देती हूँ, क्योंकि सीधा फॉर्मूले से आपको कुछ नहीं होने वाला। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रेशियो ऑफ ए डायमीटर ऑफ टू स्पेयर, अगर दो स्पेयर के डायमीटर क्या है,
फोर और सेवन है। डायामीटर, डायामीटर क्या है, ए और बी का रेशियो क्या है, फोर और सेवन है रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर टोटल देयर सरफेस एरिया, तो इनके सरफेस एरिया का क्या होगा, जो है रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया का आपको रेशियो बताना है। देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए जैसे हम टोटल सरफेस एरिया हमने पीछे पढ़ा था, सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों एक जैसे हैं इसमें, जो आपका स्क्वेयर होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर पाई आर आर स्क्वेयर और फोर पाई बड़ा आर कर देते हैं हम स्क्वेयर, क्योंकि हम एक को आर मान लेते हैं एक को दूसरा मान लेते हैं, तो इसमें फोर से तो फोर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये है डायामीटर, देखो डायामीटर अगर हम रेडियस निकालते हैं तो फोर और सेवन इसका आधा करेंगे, ठीक है, फिर ये दो से दो, यानी रेशियो तो वही रहेगा, चार रेशियो सात ही रहेगा, ऐसे तो है नहीं दो रेशियो साढ़े तीन आ जाएगा, क्योंकि दो से दो ये कटेगा, तो चार रेशियो सात ही है, तो एक यहाँ पे चार की स्क्वायर और यहाँ पे सात की स्क्वायर, तो सोलह और उनचास जो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आ गया, क्योंकि ये फोर पाई से फोर पाई कट जाएगा, ये तो एक जैसे हैं तो कट जाएंगे, और ये एक आर चार का स्क्वायर एक दूसरा सात का स्क्वायर। अब ये मत सोचना सिर्फ डायामीटर का हमने कर दिया, क्योंकि अगर हम रेशियो आर का भी निकालते हैं ना तो भी इतना ही आएगा ये, क्योंकि टू से टू ये कट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेके आऊँगी मैं, ऐसी बात नहीं है, आप इसको शेयर कीजिए बस, ताकि मेरे को मोटिव मिले क्वेश्चन करवाने का ज़्यादा से ज़्यादा। द पैरीमीटर ऑफ फोर स्क्वेयर, चार स्क्वेयर का पैरीमीटर क्या है, 24, 32, 40 और 48 है। ठीक है, पैरीमीटर है इनका, तो व्हाट विल द रेशियो ऑफ स्क्वेयर हैविंग पैरीमीटर इक्वल द सम्स ऑफ फोर स्क्वेयर, तो वर्ग के परिमाप क्रमशः 24, 32, 40 और 48 है, चार वर्गों के कोणों के योग के बराबर परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, चार वर्गों के कोणों के योग के बराबर वर्गों का क्षेत्रफल का कितना होगा, तो हम इसको क्या करें, जैसे चार है ये, ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल इसका एक का टोटल इसका बताना है, ये टोटल जो बन जाएगा उसका हमें एरिया बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, पहले ना हम इसकी पैरीमीटर है, ये पैरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, फोर मल्टीपल साइड, ये होता है पैरीमीटर। अब अगर हम साइड करेंगे तो क्या करेंगे, फोर इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी पैरीमीटर बाई फोर जो है इसकी साइड आ जाएगी, तो पहले की साइड देखिए 24, 4, 6 आ गई, 32, 4, 8 आ गई, 40, 4, 40 आ गई और 48, 4, 12 आ गई, यानी पहले एग्स की साइड कितनी है, स्क्वायर की 6, दूसरे की 8, तीसरे की 10 और चौथे की 12। अब इसको मिला के एक स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है, तो मिलाया बनाया है, तो इसकी साइड देखो, इसकी साइड टोटल कितनी होगी, ये देखो 6 और 8, 14, 14 और 10 कितने हो गए, 36, तो अगर 36 हो गया तो इसकी साइड कितनी होगी, 36 को हम फिर 4 से भाग करेंगे तो कितनी होगी, 9, ठीक है, और 9 और 9 इसका क्या निकालना है हमें, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, साइड मल्टीपल साइड, यानी 9 मल्टीपल 9, यानी 81 जो है इसका आंसर आ गया, 81 जो है इसका वर्ग का जो है क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, आगे देखिए, टू स्क्वेयर आर ड्रोन ऑन ए सेम बेस, दो स्क्वेयर जो है एक सेम बेस पर ड्रॉ किए जाते हैं, बट द डिफरेंट एग्ज लेंथ, पर उनके किनारे की लंबाई अलग अलग है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द एरिया इज 36 द एग्ज लेंथ इज ग्रेटर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एग्ज लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, तो यदि उनके क्षेत्र फल का अंतर 36 सेंटीमीटर है तो इसके बड़े वर्ग के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए, और यदि उनके किनारे की लंबाई का अंतर 3 सेंटीमीटर है, तो ये आपको करना है। देखिए तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, ये थोड़ा सा बेसिक से बार है, पहले मैं आपको बेसिक कुछ करवा देती हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए,
पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपिज्म, ये ट्रेपिज्म आपको दे रखा है ठीक है, इसकी साइड क्या है, एक की 4 सेंटीमीटर और दूसरे की 10 सेंटीमीटर, वाइल नॉन पैरेलल आर इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वेयर ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर, यानी किसकी साइड स्क्वेयर की साइड के बराबर है जिसका एरिया 25 है, तो इसकी साइड क्या होगी 25 यानी 5 होगी, क्योंकि ये ए टू होता है, तो 25 किसका वर्ग है 5 का, तो ये जो साइड है ये कितनी होगी आपकी, ये 5 होगी। देखो मैं अलग से बना देती हूँ, ये 4, तो ये भी 4 होगी ठीक है यहाँ से ठीक है, और ये जो साइड है ये है आपकी 5 ठीक है, और ये टोटल कितनी है, ये 10 है, तो 4 ये होगी तो 6 रहेगी, तो 3 ये होगी और 3 ये होगी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है ये और 3 है, ये हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम, मैंने अभी बताया था आपको एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और एल क्या होगा यहाँ पे होल एंड रूट, तो 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू एच कितना है आपका, एच हमें निकालना है, प्लस ये क्या है 3 का स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर 9 यानी 25, 5 25 माइनस 3 3 9 यानी 16, 16 किसका अंडर रूट है 4, तो ये 4 आ गई तो ये भी 4 आ गई ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ गया ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ये दोनों जो पैरेलल साइड है P1 और प्लस P2 मल्टीपल इसका हाइट ठीक है, इसका ये एरिया का फॉर्मूला होता है, तो 1/2 ये कितनी है 4 और ये कितनी है दोनों पैरेलल 10 और हाइट इसकी कितनी निकाली हमने 4, तो 1/2 14 × 4 ये 7 पे कट गया 28, तो 28 जो इसका आंसर आ गया ठीक है। ये जो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो देखने में तो टफ लग रहा है लेकिन है ये इजी, क्योंकि आपको फॉर्मूले आने चाहिए ठीक है, अगर फॉर्मूले आते हैं तो ये इजी है आपका ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन और करवाती हूँ मैं, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज 10 to 20% एंड 10% द फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लो लेंथ और ब्रेथ, कुछ भी मान लो लेंथ कितनी और ब्रेथ कितनी है, सो मान लो दोनों ही, अगर हम 100 मानते हैं तो 120 होगी ये और ये होगी आपकी 110 ठीक है, या 10-10 मान लो ठीक है, 10-10 मानते हैं हम इसको लेंथ और ब्रेथ को, तो ये होगी 10 का 20% यानी 12 और ये होगी 11, तो 12 और 11 का गुणा करोगे तो क्या बनेगा 132, और पहले इसका क्या था 100, तो ये आ गया 132, कुछ भी मानोगे कुछ भी आप ऐसे ही आंसर आएगा 100 और 32, तो कितना बढ़ गया ये 32 बढ़ गया 100 के पीछे, तो कितना बढ़ गया ये 32% जो है ये क्षेत्रफल इसका बढ़ गया ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगी, इतने में आप इसको 3D और 2D के पहले फॉर्मूले याद कीजिए, ताकि ऐसे ना हो सिलेंडर वेज क्वेश्चन ले आऊँ मैं आपको फॉर्मूले याद ही ना हो, आप पीछे पलट पलट के देखो, तो आप पहले इसको क्वेश्चन को याद कीजिएगा फॉर्मूले को ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन इसके लिए, देखो कल से जो सेशन होगा मैथ का सिर्फ ओनली क्वेश्चन ही होगा ठीक है, फॉर्मूले आप बताओगे मेरे को और क्वेश्चन मैं करूँगी ठीक है, फटाफट इसको क्वेश्चन को करेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, मुझे आपसे हेल्प चाहिए बस इतनी कि आप इसको सब्सक्राइब कराइए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, ओके थैंक यू सो मच।